मान जा मान। ओह गॉड सॉरी यार, मेरी बेटी को मैं नहीं रोक सकती, वो तो करेगी ही ऐसे। और ब्लॉग में आने वाले ब्लॉग में सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलेगी, मैं बाद में मिलूंगी, ये आपको पहले देखने को मिलेगी। क्यों लड़ रहे हो? ना बेबू आपसे प्यार करता है? हाँ बेबू का ना प्यार करता है। अरे नहीं बेबू तो मुझे भी प्यार कर रहा है बेबू। अरे मेरा बच्चा, अच्छा बैठ जा बेबू, यहीं बैठ जा। बोले मेरा बच्चा, मेरे छोटी भाई मेरे पास बैठ रहा है। बेबू मेरे पास क्या हुआ? क्या कर रहे हो आप? मम्मी टू माई चैनल। और आज हम बता बना रहे हैं आलू टमाटर और नहीं बना रहे आलू के पराठे और बस खिचड़ी बनाए हैं। खिचड़ी ओके, तो दो दिन चीज़ बन रही है। वैसे मम्मी के आने से हुआ है, मैं तो बहुत कम कम चीज़ें बना रही थी। सो ये बना रही हूँ मैं। यहाँ पे हम आलू को काटते हैं एंड देन यहाँ पे मसाला तैयार है। बहुत इजी रेसिपी है, हर किसी को आता होगा। ये है हमारा किचन और जो फ्रिज है वो यहाँ पे भी हम रखेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे रख दिया है और वो वहाँ के लिए सोफ़ा में भी ये कभी लाएंगे। बट अब इसको चेंज करेंगे, हम सैटरडे में चेंज करेंगे। किसने मारा है? पागल है जी, तुम ले ली, तुम ले लो उसे, तुम मारो फिर उसे। अरे बच्चे को खिलाते हैं, मार दो थोड़ी है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दो तीन दिन से कोल्ड हो रखा है और गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोरोना नहीं है, आई एम फाइन। क्या है बेबू, काम नहीं करे? काम नहीं करे? मम्मी उठो, क्या हुआ बेबो? चल 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 चल। सो हमारी बेबो अभी बहुत अलोन फील कर रही है, यहाँ पे नया है उसके लिए सब कुछ और सब चीज़ें। सो मैंने किचन में थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प कर दी और अब मैं बैठूँगी बालकनी में, थोड़ा सा आप लोगों से बात करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से साइकिल की वीडियो बनाऊँ। ठीक है, सही है, ओके हैप्पी। और आपकी साइकिल बहुत सुंदर है, चला। सो हम पहले आपको दिखाएंगे, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, सबसे पहले मैं आपको आना दिखाऊंगी। हेलो आना, कैसे हो आप? दिखाना देखो ये दे। कैसे लग रही थी बाबू? मैं मूवी देखने जा रही थी, इसलिए लग गई ना मेरे। मूवी देखने जा रहे थे आप? हाँ इसीलिए लग गई मेरे। ओह दूध पी लिया आपने? हाँ पी लिया, चाय भी नहीं पी, मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी। मैं झूल नहीं पाऊंगी, मैं
जब किसी ने झूला नहीं झुलाया। झूला नहीं झुलाया किसी ने? नहीं। मैं चलूँ आपके साथ? हाँ चलो यार, वहाँ पर स्विमिंग पूल भी होता। कहाँ पे जाना है आपको? ये रहा स्विमिंग पूल। आना, आप अजय के साथ क्यों नहीं जाती हो? अरे मैं नहीं करती। तो ये आना का छोटा सा पार्क जहाँ पे वो डेली 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 घूमने जाती है, अजय के साथ जाती है, कभी मेरे साथ जाती है। एंड देन अब आ रही है, हम आपसे बात करेंगे थोड़ी सी। तो मुझे यहाँ पे आए हुए, मैं 15 को आई थी और आज 21 है, तो मुझे यहाँ पे आए आई थिंक एक हफ्ता होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? अजय हट जा यार। उसके बाद मम्मी एक या दो दिन के बाद आई, और उससे पहले हम खुद ही मैनेज कर रहे थे। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे आई क्योंकि आहाना के साथ, आहाना क्योंकि आहाना हो रही, और उसको वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, रील्स बन रही है डेली इसकी। अगर आपने इंस्टा पे इसको फॉलो नहीं कर रखा है तो क्यूट आहाना के नाम से आपको इसकी आईडी मिल जाएगी। मेक श्योर आप इसे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे इसकी बहुत प्यारी प्यारी रील्स मैंने बनाई हुई हैं, फ़ोटोज़ भी अपलोड करे हुए हैं। और ये हमेशा इसलिए ऐसी रहती है, जिद्दी है, क्योंकि इसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, घर में बहुत प्यार से रहती है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से हमने इसे रखा है। और उसके बाद सोसाइटी में जिसमें हम आए हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है, और मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अभी तो बिल्कुल भी नहीं, और जाएंगे भी नहीं। हम इतनी जल्दी अभी आए हैं कि वहाँ से निकल के, तो जाने का क्या ही मतलब बनता है। आए हैं तो रहने आए हैं, कुछ करने आए हैं, और क्या करने आए हैं वो हम आपको धीरे धीरे ब्लॉग्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी सस्पेंस में रखी हैं। मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ, हर चीज़ मैंने सस्पेंस में रखी है। सो स्टे ट्यून, बने रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मुड़ गई, चला लो, अजय से कह दो अजय चलवा देगा। तो बहुत सारी चीज़ें सस्पेंस में हैं, आप लोग सोचे होगे क्या है कैसे है, तो वो सब चीज़ें आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगी। और सोसाइटी का जो क्लब है वो बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, वहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी आने वाले ब्लॉग्स में। हाय गाइस, आपको मिल जाएंगे आइसक्रीम, और आपको मिल जाएंगे साइकिल दो, आपको पोत मिल जाएंगे ये वाले पोत। मैं बोलूं? और आपने आप कभी देखा है ना रोड पे, यहाँ पर मेरे खिलौना है ना? आपका स्कूल किधर है, प्ले स्कूल किधर है? स्कूल, हाँ प्ले स्कूल किधर है? मदन जी हाँ है। मैं आपसे प्यार करती हूँ? ना मैं आपको मारती हूँ? हाँ। मैं आपको खाना नहीं देती? मैं आपको दूध नहीं पिलाती? फिर आपसे प्यार कौन करता है? आप किसकी गोद में बैठी हो अभी? अभी मैं मम्मी की गोद में बैठी हूँ। मम्मी तो आपसे प्यार ही नहीं करती। मैं तो मम्मी तो प्यार करेगी, देखो मेरी मम्मी की गोद, मम्मी जी क्यूट है, मेरी मम्मी क्यूट है, मम्मी क्यूट है। बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब लायो आपके कोई दुकान में कोई का अम्मा नहीं, बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी हम लोग बैठे हुए अपनी बालकनी में, तो आहाना को वीडियो बनाने का बहुत शौक है, और ये हमेशा बीच बीच में आ जाती है और मेरे को नहीं बनाने देती। सो मैं बहुत बड़ी मुश्किल साइकिल देते इसको यार। सो आहाना इसलिए थोड़ा सा रो रही है क्योंकि जिद करती है वो हर चीज़ की, क्योंकि वो लाडली है सबकी, तो उसकी साइकिल ले ली उसके मामा ने। तो बहुत सारे सस्पेंस अभी हैं जिनके सवाल आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। और अगर सोसाइटी का टूर आपको चाहिए, जो कि मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं दिया है आपको, मेक श्योर आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करके बताएं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि मेरा मन हो कि मैं आपके साथ एक फ्लैट का टूर शेयर करूँ और सोसाइटी का टूर दूँ। और अभी इंटीरियर बाकी है करना, तो उसके बाद ही मैं आपको जो है फ्लैट का टूर दे पाऊँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बहुत सारे हॉल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे
डेकोर पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी शॉपिंग करना स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं जाऊंगी बंजारा मार्केट, वहां से मैं शॉपिंग करूंगी अपने घर के लिए। एक्चुअली मिरर मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बालकनी में हूँ और बालकनी के जस्ट बराबर मेरा बेडरूम है, जहाँ पर ऑलरेडी मिरर लगे हुए हैं। दो बिग साइज़ के मिरर हैं जो कि अलमीरा में ही लगे हुए हैं। माय गॉड कितने अच्छे हैं, वो आपने इंस्टा पे देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आने वाले ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। सो आज का हमारा ब्लॉग होगा मेरा पूरा दिन मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं खाना बना के आई हूँ, उसके बाद मैं भी नहाऊँगी, चेंज करूँगी, शूट करूँगी, क्योंकि मुझे वस्त्र क्वीन का जो कोलैब है उसको करना है। बस कौन का मैंने एक वीडियो किया था, अगर आपने देखा हो, मैंने बताया था कि कपड़ों की क्वालिटी कितनी बेकार है एंड एवरीथिंग। और अभी मैंने क्या किया कि मैंने एक और ड्रेस ऑर्डर किया, मुझे ये पता करना था कि एक्चुअल में क्वालिटी कैसी होती है। सो वो वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। ओह नो, सो सी यू सून। सो अभी मैंने हॉल फिनिश किया है, जिसमें जनपद हॉल था यहाँ पर बैठ के, एंड देन ये था मेरा बैकग्राउंड, जिसके लिए मुझे अभी टेबल लेने हैं, मैंने अभी नहीं लिए। और हम लोग जा रहे हैं अभी फ़िलहाल जा रहे हैं मेरा ट्रायल हॉल शूट करने, जो कि आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। सो दिस इज़ अ डे लुक, ये मेरा डे का लुक है आज, मतलब वीडियो का लुक है। प्रॉपर लुक तो कुछ और ही होता है हमेशा मेरे घर पे, लोअर एंड टी शर्ट बस, लूज से कपड़े। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे गार्डन में, क्योंकि हमें अच्छा लोकेशन चाहिए और अच्छा लोकेशन हमारी सोसाइटी में बहुत है। मैंने हील ट्राई करी है, मेरे अच्छा लग रहा है पैर में, फिर भी जा रहे हैं नीचे गार्डन में शूट करने। और आई होप कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स को, और कोई भी अगर चीज़ें में रह गई है तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डे टू डे मैं अपडेट रहती हूँ, अगर यूट्यूब पे कोई चीज़ रह भी जाती है तो, बट आप दोनों चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं किया है तो भी माही क्वीन 4121 के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, और उसके बाद मैं वहाँ पर पिक्चर शेयर कर दूँगी ये वाले लुक की। सो गए, हम चलते हैं नीचे। जो शूट था वो भी खत्म करके आ गए, अपनी रील्स भी फिनिश करके आ गए। अगर आपने रील्स देखनी है तो आप मेक श्योर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी रील मिल जाएंगी। क्या हुआ, कुछ याद आ रही थी? तो अभी मैं कर रही हूँ चेंज अपने सेकंड शूट के लिए, मैं चाहती हूँ कि डेली वीडियोस अपलोड हो। सो अभी चेंज वेंज, सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी सोसाइटी का जो नाइट व्यू है वो कैसा लगता है। सो हैव अ लुक, कुछ ऐसा ऐसा व्यू आपको नज़र आता है यहाँ से। एंड देन यहाँ पे पार्क है, पार्क है बच्चों के खेलने के लिए। आहाना दो दिन तो गई, उसके बाद उसका जाने का कोई मन नहीं है। ये तो हो गई हमारी सोसाइटी, और ये है, ओह शिट, ये प्लेन की आवाज़। उसके बाद ये है आउटसाइड, जो कि हमारी सोसाइटी से बाहर है, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये हमारा लास्ट एरिया है, मतलब ये हमारी सोसाइटी है, उसके बाद से वो स्कूल है, वो हमारी सोसाइटी से बाहर है। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे ऐसे। एंड ये मेरी बालकनी है जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर बैठना, यहाँ पर बैठ के फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना, एडिटिंग करना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड आज मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं है, तो मैंने आपसे सोचा कि आज मैंने सोचा कि मैं आज आपसे बात करती हूँ, कुछ अपने बात में बारे में शेयर करती हूँ। वैसे तो मेरा Q&A वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाला है, उससे आप जल्दी ही वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे सवाल आपके हैं।
और अगर आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सब उन सब सवालों को अपनी वीडियो में लूँगी एंड देन मैं आपके रिप्लाई दूँगी वीडियो में। मेरा यहाँ पे आने का रीज़न, मैं किसके साथ हूँ, कौन कौन मेरे साथ अभी यहाँ पे है, मैं जॉब क्या कर रही हूँ, और सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों के माइंड में होंगे। और बाय द वे आपको रील कैसी लग रही है, रील्स पसंद आ रही होंगी बहुत, क्योंकि रील्स मैं बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसको सेट करती हूँ, कहीं पर रख जाएगी, क्योंकि कैमरा स्टैंड का जो नीचे का पार्ट होता है वो घर पर रह गया है, मतलब खुर्जा रह गया है, वो हमें यहाँ पर लाना भूल गई, पता नहीं कैसे रह गया। अंदर ना अभी पूरा का सेट नहीं है प्रॉपर तरीके से, बहुत सारी चीज़ों की कमी है बहुत सारी, तो अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें मैं सेटअप कर लूँ एंड देन मैं आपको पूरा होम टूर दूँगी जो जनरली आपको पसंद आएगा। और छोटे छोटे पॉट हैं, पॉटरीज की चीज़ें हैं, प्लांटर हैं जो मैंने खुर्जा से ली हैं और जिनका रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी करूँगी। जब हमने फ्रिज लिया था उसकी अनबॉक्सिंग मैं करना भूल गई, सो सॉरी यार, मतलब इतना अच्छा ब्लॉग था, मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद था और वो गलती से डिलीट हो गया। हाँ, एंड देन मैंने मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करना है, और भी चीज़ें अगर आपको माइंड में हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मेरा सोने का टाइम है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ मैं जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, हर चीज़ मेरी जल्दी हो रही है, एक्चुअली हर चीज़ पॉजिटिव हो रही है, टच वुड नज़र ना लगे, और आई एम टू हैप्पी, और मेरा लौटने का कोई इरादा नहीं है, मैं हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ, बस मेरा जो काम है वो अच्छे से सेटल हो जाए, अच्छे से मेरा यूट्यूब वर्क करने लगे, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इन सब चीज़ों के लिए, इंस्टा के लिए। सो प्लीज़ गाइज, आई नीड योर सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि वीडियोज़ भी आपको आई होप कि अच्छी ही मिल रही होंगी, कोई वल्गर चीज़ें नहीं हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, या फिर कोई ऐसे ही सिंपथी नहीं मैं गेन करना चाहती हूँ, हर चीज़ें जेन्युइन है, जेन्युइन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मेहनत के साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ, उनको एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, फैमिली बेटी हर चीज़ को मैं संभाल रही हूँ। बताना भूल गई, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से सारा घर का काम मुझे खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ तो मम्मी कर देती थी, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पे सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है एंड देन मेरे जो पैर हैं मुझसे चलाने जा रहा है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने सोसाइटी से बाहर कदम नहीं रखा है, एक जो जेन्युइन सामान होगा जो लेने जाना होगा, वरना मैंने सोसाइटी से बाहर अभी तक पैर नहीं रखा है। रील्स ब्लॉग्स सब इसी में बनाए हैं, क्योंकि हर फैसिलिटी हमको यहाँ पर मिल रही है, और मेरे दोनों पैर बहुत दुख रहे हैं, क्योंकि जो पोछा था वो मैंने बैठ के लगा लिया, सीरियसली मैंने 6 महीने से कोई काम नहीं किया था। फैमिली बेटी हर चीज़ को मैं संभाल रही हूँ, उसके बाद मैं अपने यूट्यूब को टाइम दे रही हूँ, सो मेक श्योर लाइक करना तो बनता है, बाकी आपकी चॉइस है, एंड देन जल्दी से जल्दी मैं सेटल हो जाऊँ, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। वैसे मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ने वाली, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बाय गाइस, सो मैंने आपसे थोड़ी सी बात करना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई बात नहीं हो रही है, अभी मम्मी यहीं पे हैं, पूरा फैमिली यहीं पे है, बाकी आपको क्यों वीडियो में पता चल ही जाएगा, जो भी आप पूछोगे मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगी। सो अभी के लिए बाय बाय, सी यू सून, फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ।